मेरा नाम शांता है, मैं बाड़मेर में रहने वाली हूँ। 2002 में मैंने दीक्षा लेना चाहती थी, तो बापू जी जैसे वो बस जा रही थी तो मेरी टिकट भी हो गई थी जाने के लिए, और मेरे पतिदेव बापू जी को मानते नहीं थे, उन्होंने कहा कोई जाने की जरूरत नहीं है, तो दीक्षा लेके तो घर से भी निकल गई, तो मैंने शुरुआत में बस तो चली गई, मैं मेरे पीएफ चली गई, मेरे पीएफ बाड़मेर में मेरे माता जी की शिक्षित थे उनके घर चली गई, तो फिर रात निकल गई थी, मैंने पूरी रात रो रो के निकाली, ना खाया ना पिया, मैंने कहा मुझे तो दीक्षा चाहिए। अचानक बापू रात को सपने में आए, मर जाएगी, 2 दिन से खाना भी नहीं खाया, इसको लेके जाऊँ दर्शन करवा के। जैसे मेरा 8 साल का बच्चा भी साथ में था, उसको भी लेके गई, तो वहाँ पहुँचे शाम को 5 बजे, तो उसके गुरु पूर्णिमा थी, पर वहाँ गुरु पूर्णिमा 2 किए थे, उस दिन दीक्षा नहीं थी। अचानक वहाँ मैं पहुँची, रोती रोती मैंने कहा दीक्षा तो हो गई होगी, अब मुझे कहाँ से दीक्षा मिलेगी। अचानक वहाँ सुना कि आज दीक्षा नहीं है, कल दीक्षा से गए हैं 7 बजे। इतनी खुश हुई रात को, जैसे मैं उसको उठ गई 2 बजे, स्नान पानी करके बापू जी की दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद बापू जी ने मुझे अचानक बोला यार, पास में बोला यार कि तू बेटी कितना तड़पती है, कितना रोती है, तेरे साथ ही तेरे पति के साथ तो क्या हुआ, लेकिन वो भी आ जाएगा, छुट जाएगा, चिंता मत कर, कोटि कोटि प्रणाम।